जवान, जय जवान, जय किसान, जय किसान, जय किसान, जय किसान, जय हिंद, जय हिंद। 60 साल में हमने क्या किया है? हमने कृषि के आर्थिक पहलू पर बल दिया। हमारी कृषि अच्छी हो, कृषि का विकास हो, वो पूर्ण तब होगी जब किसान कल्याण को भी जोड़ा जाए। और आने वाले दिनों में कृषि के लिए जैसे योजना बनेगी, वैसे किसान कल्याण की भी योजना बनेगी, ताकि मेरे किसान को जो व्यक्तिगत जीवन में समस्याएं झेलनी पड़ती हैं, मुसीबतों से गुजरना पड़ता है, तो सरकार एक स्थायी व्यवस्था के रूप में उसको मदद करने की दिशा में प्रयास करेगी। केंद्र सरकार ने एक नई राष्ट्रीय फसल बीमा योजना शुरू करने की योजना बनाई है, जो किसानों को सस्ते प्रीमियम पर फसलों का बीमा करवाने की सुविधा देगी। और इस जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक अभी तक किसानों को फसलों का बीमा करवाने के लिए बीमे की रकम का 4-15% तक का हिस्सा बतौर प्रीमियम भरना पड़ता है। फसल बीमे का प्रीमियम कुछ मामलों में 25% तक होता है, लेकिन नई बीमा योजना के तहत किसानों को फसलों का बीमा करवाने के लिए ज्यादा से ज्यादा 2.5% प्रीमियम ही देना होगा। नई बीमा योजना के तहत धान, मक्का और बाजरे जैसी खरीफ फसलों का बीमा कराने के लिए 2.5% प्रीमियम ही देना होगा। गेहूं छोड़कर बाकी सभी रबी फसलों का बीमा करवाने के लिए 2% का प्रीमियम देना होगा। गेहूं और दालों की फसलों के लिए 1.5-2% प्रीमियम पर बीमा हो जाएगा, जबकि फल, सब्जियों और अन्य फसलों का बीमा करवाने के लिए 5% प्रीमियम देना होगा। बाकी का प्रीमियम सरकार अपनी तरफ से भरेगी। इसके लिए सरकार ने 7,500 करोड़ रुपए का बजट भी तैयार किया है। सरकार ने अगले 3 वर्षों में देश की 50% फसलों को बीमे का सुरक्षा कवच देने का लक्ष्य तय किया है। नई फसल बीमा योजना में इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि किसानों को बर्बाद हुई फसल के बीमे की रकम देने में कंपनियां अपनी तरफ से कोई अड़चन पैदा ना करें, जो कि अक्सर होता रहता है। इसके लिए सरकार ने यह तय किया है कि कैमरा, स्मार्टफोन्स और टैबलेट कंप्यूटर में रिकॉर्ड किए गए वीडियो और तस्वीरें क्लेम लेने के लिए मान्य होंगी। यानी अब किसान अगर उसके पास मोबाइल फोन है तो अपने मोबाइल फोन से तस्वीरें ले सकता है, वीडियो बना सकता है और उसे भेजकर वो अपना दावा पेश कर सकता है। इसके अलावा नई योजना में दावों का निपटारा नुकसान के आकलन के 30 से 45 दिनों के अंदर किए जाने को जरूरी बनाया गया है। मौजूदा फसल बीमा योजना में क्लेम का 33% हिस्सा बीमा कंपनी देती है, लेकिन नई बीमा योजना के तहत किसानों को खराब हुई फसल की 50% रकम बीमे के तौर पर देने का प्रावधान है।